एंड गाइस, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्सल है और इसके अंदर वही टायर इन्फ्लेटर है। अभी से हम खोलते हैं फटाफट से, ठीक है। पैकेजिंग एवरेज है और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे लिखा है टायर इन्फ्लेटर। साइड से काफ़ी अच्छा बॉक्स है और पीछे इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, इसका नेम, जो भी नेम है, कितने यूनिट हैं और क्या प्राइस लिखी है, प्राइस भी लिखी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी है, मतलब इम्पोर्ट की डेट लिखी है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब इसे खोलते हैं अंदर, इसके अंदर देखते हैं कैसा प्रोडक्ट हमें मिलता है। और अंदर इसका एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रेशर वगैरह अगर हमें देखना है इसमें लिखा हो। तो दोस्तों, इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। प्लास्टिक पीस है और यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग दिख रही है मेरे को, मोटर की स्पेसिंग है शायद यहाँ पे। और यहाँ पे आगे से जो इसके बटन्स हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऑन और ऑफ का बटन होगा क्योंकि ये अंदर जाके रुक जा रहा है। यहाँ पे इसके लाइट का होगा, जो यहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, एलईडी लगी हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर मुझे 4 वाइट एलईडी दिख रही है और बाकी 3 कोई और कलर की एलईडी हैं, क्योंकि वो सिंपल हैं। तो इसको खोल के एक बार, मतलब रात के टाइम पर चेक करेंगे कैसा इसका परफॉर्मेंस है लाइट का भी। तो यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा जो नोज़ल वगैरह हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, बाइक, कार, ठीक है, काफ़ी सबके लिए है। इवन बॉल में भी आप हवा भर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों, इस टायर इन्फ्लेटर को मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि सबसे पहले तो कार में इस चीज़ का होना ज़रूरी होता है। सिर्फ कार में ही नहीं, बाइक वगैरह सब में बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, क्योंकि हर बार अगर जैसे मैक्सिमम टाइम ये ट्यूबलेस टायर्स में काफ़ी हेल्प करते हैं, अगर टायर पंचर हो जाए कहीं पे तो आपको उस टाइम पे स्टेपनी चेंज नहीं करनी पड़ती, टायर खोल के मतलब किसी मैकेनिक को ढूंढ के ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ट्यूबलेस टायर हैं तो सीधे आप इसको अपनी कार से प्लग कीजिए, हवा भरी है और आपकी कार वापस से, जो आपका टायर हवा भर जाएगी उस टायर में और वो वापस से चल जाएगा कुछ किलोमीटर। तो मतलब अगर आप ट्यूबलेस टायर यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं और इसका यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। तो दोस्तों, अब अगर प्राइसिंग की बात करें इस प्रोडक्ट की, तो इसकी प्राइसिंग आपको 2000 की रेंज के बीच में मिल जाएगी। अमेजोन का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप वहाँ जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको करते हैं टेस्ट अपनी कार में। ओके, दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है, ठीक है। तो अब इसका हम यूज़ देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो जो इसका यहाँ पे सॉकेट है, ये आपका कोई भी चार्जिंग पोर्ट होगा कार में उसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ कर लेंगे और अब हम इसे यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट में लगा देंगे। तो जैसे लगाएंगे यहाँ पर लाइट जल जाएगी, डिस्प्ले यहाँ से ही ऑन होगा और यहाँ से इसकी लाइट जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी लाइट है। और अब आप एक बार नाइट का सीन देख लीजिए, वाइट लाइट का। और इसमें एक और लाइट भी है, रेड लाइट, जो रेड हजार्ड टाइप्स में है। दोस्तों, अभी मैं अपनी कार में पहले हवा नहीं भर रहा हूँ, मैं अपनी बाइक में हवा भर रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी कम एयर है और उसकी हवा भरना ज़रूरी है ज़्यादा।
इसको यूज़ करने से पहले हमें कार को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टार्ट करे अच्छा प्रेशर नहीं बनेगा। आई थिंक ऐसा इसमें होता हो क्योंकि बैटरी पे इतना लोड नहीं हो पाएगा, बैटरी इतना लोड नहीं ले सकती है, मतलब धीरे धीरे काम करेगा। इसलिए हम कार को स्टार्ट कर लेते हैं पहले और थोड़ा सा आगे कर लेंगे, क्योंकि जो इसकी लेंथ मुझे लग रहा है थोड़ी छोटी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको कार को आगे करेंगे ताकि बाइक के पास एकदम से मतलब वायर पहुँच जाए। दोस्तों अब इसको यहाँ पे ऑन हो चुका है, अब इसकी वायर निकालते हैं ओरिजिनल वाली। अभी वायर निकल चुकी है, अब इसको देखना पड़ेगा डायरेक्ट लग जाएगी या फिर कोई ऑल्टरनेशन करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत आसानी से लग गया है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे इसे घुमाना पड़ा और ये टाइट हो गया है। ठीक है, तो अब इसे यहाँ से हम ऑन कर, तो इसके लिए मोर देन एनफ है, इतनी हवा काफ़ी है टायर में। मैं अभी अपनी बाइक में ज़्यादा एयर नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ी सी डाल रहा हूँ, जितनी उसमें ज़रूरत है उतनी डाल दूंगा। ठीक है, अभी वो खड़ी है क्योंकि वो ज़्यादातर खड़ी रहती है, वो चलती ही नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए उसमें मैं ज़्यादा एयर डालता भी नहीं हूँ। भाई बाकी हमने बाइक में तो टेस्ट कर लिया, जितनी ज़रूरत थी उतनी हवा हमने डाल ली है, पर अब हम करने वाले हैं थोड़ा ग्रैंड टेस्ट। अब हम टायर की पूरी हवा निकाल देंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कितनी देर में पूरा भरता है इसे। तो 35-34 करीबन मैक्सिमम है इसके लिए, इससे ज़्यादा सही नहीं होगा इसमें। तो आप देख सकते हो पूरा टायर अच्छे से पूरा भर चुका है। ठीक है, मतलब इतना मेरे लिए सफिशेंट है, इससे ज़्यादा एयर में रखता भी नहीं हूँ, तो इतनी एयर काफ़ी बढ़िया है। तो मतलब यार इससे इतनी जल्दी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी, बहुत जल्दी इसने हवा भर दी है इसमें, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो इतना रैपिड मतलब बहुत अच्छा है भाई, अगर आपको लेना है तो आप इसे ले सकते हो। और थोड़ा बहुत ये हीट ज़रूर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हीट हुआ है, तो अब इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल गाइस बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आपको लेना है आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बस थोड़ा सा गर्म ज़रूर होगी इसकी जो ये वाली कॉर्ड है, होगी भाई इतना प्रेशर जब जा रहा है। ओके सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग कस्टमर इंडिया, शाइनिंग ऑफ।